का इजलास, हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आइन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, आइन हमें इजाजत देता है कि कानून साजी करें, तरामीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए हैं, इस मामले पर कोई सियासत नहीं, ड्राफ्ट मुकम्मल इत्तफाक़ राय के बाद ऐवान में पेश किया जाएगा। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर बोले, रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं, चोरी होती है, हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताएं आइन में तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया। जब ये डॉक्यूमेंट जो है बुनियादी शहरी हकूक को भी सलब करना चाहते हैं, सैटरडे और संडे छुट्टियों में चोरी की तरह धक्काजली करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होती है। अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। आपको कोई डंडा दिखाता है और आपको कोई कहता है सीधा हो जाओ, ये बड़ी बड़ी पार्टियां इसलिए होती है कि एक डंडी की जोर पर चलते है। तारक साहब, जो कुछ आप कर रहे थे आपकी जमीर आपको इजाजत दे रहा था। अगर कोई समझता है कि हम इस चीज से इस 200 दंडे से डरेंगे तो उसके गलत पे भी है। हम लड़ेंगे पे रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट पे, हम अदालत पे, हम हर जगह लड़ाई करेंगे, किसी तौर पर आपके 200 दंडे में नहीं आएंगे।